हेलो दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ जाऊंगा क्योंकि अप्रैल और मई का टाइम आप जानते हैं बीसीसीआई के क्रिकेट ड्राफ्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको एक और चीज बताने वाला, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सुशांत भाई अगर क्रिकेटर बनना, आईपीएल इंडियन टीम तक पहुंचना, तो उसके लिए क्या रणजी ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब खेलना इंपॉर्टेंट है या फिर हम बिना खेले हुए पहुंच सकते हैं? तो मैं आपको पूरा उदाहरण सहित आपको दिखाने वाला हूं। और मैं इस अपडेट भी दो बड़े अपडेट देने वाला हूं, उनको आप लोग पहले जान लो। तो पहले तो उससे जानने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो पहला अपडेट आ रहा वाराणसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से, वहां पे जो अंडर 14 और अंडर 16 का ट्रायल है वो 17 और 18 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। तो अगर आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते तो देर मत करिए, फटाफट से ट्रायल दीजिए, 16 और 17 अप्रैल को होगा विवेक क्रिकेट एकेडमी में। और दूसरा अपडेट आ रहा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से, वहां पे जो ट्रायल अंडर 14 और अंडर 16 के प्लेयर्स का वो शुरू होने वाला 15 और 16 अप्रैल को। तो अगर आप बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से बिलोंग करते तो फिर देर मत करिए, वहां पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम में जाके ट्रायल में पार्टिसिपेट करिए और अपने करियर में एक नई उड़ान दीजिए क्योंकि ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना ट्रायल के आप नहीं आगे बढ़ सकते। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सुशांत भाई क्या क्रिकेटर बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, कि आईपीएल खेलने के लिए क्या रणजी ट्रॉफी जरूरी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी जरूरी है। तो आपने आजकल आईपीएल तो हर कोई देख रहा है, उसमें केकेआर के प्लेयर सुरेश शर्मा है, तो उनकी सबसे खास बात वो कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले ही नहीं है, वो ना कोई रणजी ट्रॉफी है उनके नाम की, ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, ना विजय हजारे ट्रॉफी खेले, ना सीके नायडू ट्रॉफी खेले, वो कोई भी फर्स्ट क्लास मैच खेले नहीं है, उसके बाद भी आज वो आईपीएल में खेल रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो दिल्ली में क्लब के लिए खेल रहे थे और जो स्काउटिंग के थ्रू, स्काउटिंग होता है ना कि जो होते हैं कैंप, जैसे स्टाफ होती है केकेआर के स्टाफ के जो मेंबर होते हैं वो पहुंचे थे उस क्लब में, और उस क्लब में सुरेश शर्मा काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहां पे सीधा उन्हें उठा लिया गया था और केकेआर के कैंप में आए थे, वो कोलकाता नाइट राइडर के सीधा कैंप में बुलाए गए थे और कैंप में काफी शानदार प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। और इस साल जब ऑक्शन हुआ तो ऑक्शन में केकेआर ने उनके टैलेंट को देख ही लिया था, डायरेक्ट केकेआर ने ऑक्शन में उन्हें खरीद लिया अपनी टीम में, और अब देख सकते हो आप डायरेक्ट केकेआर ने उन्हें मैच खेलने का भी मौका दे दिया, बिना कोई रणजी ट्रॉफी, बिना कोई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, डायरेक्ट क्लब से उठा के आईपीएल तक का सफर था ये इनका। तो आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करते जाओ, हर जगह ट्रायल आप देते रहो, ट्रायल को मिस मत करिए, कोई भी ट्रायल आए आप फटाफट जाके पार्टिसिपेट करिए, तभी आपके चांसेस बनेंगे ज्यादा आगे खेलने के। अपडेट मिलते रहेंगे, क्रिकेट ट्रायल के सारी जानकारी आपको मिलते रहेंगे, आप भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तो आईपीएल का ट्रायल भी आने वाला है तो उनका भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आगे ऐसे ही अपडेट पाने के लिए।